हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है कि नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले फ्रेंड, जो कि आज की वीडियो हम ये सीखेंगे फ्रेंड, कॉल फॉरवर्ड कैसे करें। और मेरे पास है रियलमी 5S, तो मैं इसमें बात करने वाला हूँ। आपके पास कोई सा भी एंड्रॉयड डिवाइस है तो आप उसमें भी कर सकते हैं फ्रेंड। मैं जो है इस नंबर, जो ये मेरे फ़ोन में नंबर है, इस नंबर जो है ये नंबर को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा दूसरे कीपैड फ़ोन में फ्रेंड। इससे क्या होगा, जो भी फ़ोन आएगा मेरा वो कीपैड वाले फ़ोन पर आएगा, इस पर फ़ोन नहीं आएगा, ये फ़ोन हो जाएगा एक तरह से डब्बा। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सेटिंग्स को आपको ओपन कर लेना है। खाली इस फोन का क्या काम रह जाएगा फ्रेंड, खाली फोन कर सकते हैं, इस पे कोई भी फोन नहीं आएगा। तो फ्रेंड आपको सबसे पहले सेटिंग्स को आपको ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, और आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, कॉल फॉरवर्ड लिख सकते हैं, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि फ्रेंड हर एक फ़ोन का सेटिंग्स अलग अलग होता है, इसलिए तो आपको यहाँ से कर लेना है। नहीं तो फ्रेंड मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, डायल पैड को ओपन कर लेना है। डायल पैड को ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, और यहाँ पे देखने को मिल जाता है टू डॉट का ऑप्शन कॉन्टैक्ट के ऊपर। तो आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है सेटिंग्स को क्लिक करना है। सेटिंग्स को क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉल सेटिंग्स जो है इस पर क्लिक कर देना है, करियर कॉल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, और आप देख सकते हैं कॉल फॉरवर्ड, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, जो कि फ्रेंड कॉल फॉरवर्ड जो करना है, तो आप थोड़ी देर इंतजार करें। तो आपने वेट कर लिया है, आप उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको किस नंबर पे कॉल फॉरवर्ड करना है, आपको यहाँ पे नंबर डाल देना है। तो मैंने ये पहले से ही डाल रखा है, यहाँ पे ऑन करना है, ऑन पे क्लिक करना है। ऑन पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंतजार करें। और फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। और जैसे कि आप देख सकते हैं कॉल फॉरवर्ड हो चुका है, और इस पर कोई भी फ़ोन नहीं आएगा, खाली जो है इस फ़ोन से हम फ़ोन कर सकते हैं कहीं भी। लेकिन फ्रेंड कोई भी किसी का भी फ़ोन आएगा तो मेरे कीपैड वाले पे आएगा। तो आप आज के वीडियो आपने सीख लिया कॉल फॉरवर्ड कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर सब्सक्राइब लाइक बेल आइकन का बटन जरूर दबा दिया, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।